छतरप कलेक्टर सुरेंद्र सिंह ने नौगांव तहसील का अचानक निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि जिले में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई जारी है, किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कॉक्स बिस्लरी की अनियमितताएं और चिमनियों से निकल रहे धुओं से बीमार हो रहे लोगों के मामले में कलेक्टर ने कहा कि जांच करवा रहे हैं, इस मसले का कोई हल जल्द ही निकाला जाएगा। सब जगह छिल्ला भी कार्रवाइयां हुई हैं, अभी बड़ी मलेरा में आज कार्रवाई हो रही है। सर नौगांव में बिस्लरी है सर, उसकी सर गंद से लोग शाम सुबह बहुत परेशान है और उसका दूषित पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। मैं जांच करा लूंगा, अभी किसी आप बता रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है। जांच करा के देखेंगे, गड़बड़ हो जाती है।